Headshot. Bachna. Headshot. But Papu can't dance. Headshot. Headshot. वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर एपिसोड. और आज का एपिसोड होने वाला गनशॉट के ऊपर. अब कई लोग मुझसे पूछेंगे यार गनशॉट के ऊपर क्यों एपिसोड बना रही है, तो बहुत बेसिक सी चीज है. तो यार ये बेसिक सी चीज नहीं है, कई लोग इसको बहुत पेचीदा बना देते हैं या फिर ओवर सैचुरेट कर देते हैं. अब एग्जांपल के लिए लेते हैं, अगर आप कोई मूवी देखते हो या फिर किसी यूट्यूबर का एपिसोड देखते हो, तो उसमें जो गनशॉट का सीन होता है उसमें कभी आप ये नोटिस करते हो कि ये यार गनशॉट का सीन कितना अच्छा था, ये जो मजल इफेक्ट निकला वो कितना अच्छा था, ऐसा कभी नोटिस करते हो? नहीं करते हो, कोई नहीं नोटिस करता होगा. लेकिन अगर आप कुछ ऐसा देखते हो तब आप नोटिस करते हो कि यार इसमें तो खराबी है, ये जो मजल इफेक्ट निकला, ये जो स्पार्क निकला है, ये तो यार ठीक से एडिट ही नहीं कर पाया, तब नोटिस करते हो. तो अगर आप एडिट करते हो वो गनशॉट वाला सीन और पब्लिक आपको नोटिस नहीं करती है, सबको लगता है पब्लिक को कि ये गनशॉट वाला सीन था उसमें क्या बड़ी बात थी, तब समझना कि आपकी एडिटिंग बहुत अच्छी हुई है. और सिर्फ वही नहीं, एक ब्लड स्प्लैश होता है, जैसे कि गनशॉट जैसे ही लगता है एक ब्लड स्प्लैश आता है, जैसे कि ब्लड लगता है वो उड़ता है ब्लड, तो वो कैसे करते हैं वो भी एपिसोड में हम लोग कवर करेंगे. तो अगर न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम लोग ज्ञान बांटते रहते हैं. तो सबसे पहले तो आपको ऐसा कुछ फुटेज शूट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ एक्टिंग करना पड़ेगा जैसे कि मैंने पीछे किया है, अपने हाथ को पीछे लिया है. और कुछ लोगों को ये नहीं पता है कि प्रीमियर प्रो कैसे इंस्टॉल करें फ्री में या फिर जो भी है, वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. मैं वहाँ पे कल एपिसोड डालने वाला हूँ कि कैसे इंस्टॉल करना है या फिर क्या करना है. एक्चुअली यहाँ पे मैं ये चैनल पे कोई भी क्रैक ऐप एनऑल का नहीं डालने वाला हूँ, कोई भी सिनेरियो नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी एपिसोड वैसा नहीं डाल रहा हूँ, यही एक रीज़न है. तो बाकी जो भी सॉफ्टवेयर्स का है, क्रैक ऐप्स का है, फ्री का, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मैं वहाँ पे IGTV पे डालने का ट्राई करूंगा या डायरेक्ट एक मिनट के अंदर ही एपिसोड अपलोड कर दूंगा. अब आते हैं प्रीमियर प्रो में. सिंपली आपको फुटेज को यहाँ पे लेके आना अपने टाइमलाइन पे. आपको दो फुटेज लगेंगे ग्रीन स्क्रीन के, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा लिंक, आप डाउनलोड कर लेना. फिर उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट कर लो अपने सब फुटेज. इंपोर्ट करने के बाद सिंपली अपने फुटेज को यहाँ पे लेके आना टाइमलाइन पे. और उसके बाद अपने ग्रीन स्क्रीन फुटेज को भी लेके आना यहाँ पे, इसके ऊपर रखना और फाइंड आउट कर लो कहाँ ब्लिंक हो रहा है. ये देखो मेरा ये यहाँ से ब्लिंक चालू होगा, तो यहाँ पे मैंने कट किया, थोड़ा सा आगे गया और जहाँ पे ब्लिंक खत्म हो रहा है वहाँ पे वापस कट करूँगा. सिंपली कंट्रोल प्लस के करना है आपको, वो कट हो जाएगा. उसके बाद डिलीट कर देना आगे और पीछे वाला पार्ट. अब यहाँ से मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ अपने टाइमलाइन को, आप भी स्ट्रेच ऐसे कर सकते हो. अब यहाँ पे मेरा हाथ पीछे मुड़ा है थोड़ा सा, तो वहीं पे मैं लेके आऊँगा अपने फुटेज को, ग्रीन स्क्रीन वाले फुटेज को अब ये देखो ये स्पार्क हो रहा है. तो सिंपली यहाँ पे जाना इफेक्ट में और यहाँ पे अल्ट्रा की सर्च करना, सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो यहाँ पे. अब इफेक्ट कंट्रोल में जाओ और की से निकाल लो ग्रीन स्क्रीन को. ये देखो ऐसा कुछ निकाला है मैंने. अब यहाँ पे हल्का ग्रीनिश टाइप दिखेगा, तो कई लोग क्या करते हैं मैट क्लीनअप करते हैं, तो वो नहीं करना हम लोग को यहाँ पे, क्योंकि मैट क्लीन अप करते टाइम बहुत से पार्ट्स से जो निकल जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं करना हम लोग को यहाँ पे. सिंपली यहाँ पे जाना है कलर्स में, कर्व में जाना है और ये ग्रीन को कम कर लेना है, तो यहाँ पे रेडिश टाइप दिखने लगेगा आपको. और उसके बाद सिंपली यहाँ पे आना है एडिटिंग में और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेना. एडजस्ट कर लेना मतलब जैसे ही हाथ पीछे जाता है वहीं पे स्पार्क होना चाहिए. ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है पर एडजस्ट करना ज़रूरी है. ये देखो जैसे ही हाथ पीछे गया यहाँ पे स्पार्क हो रहा है. तो मैं फुटेज को अब सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे मोशन पे जाऊँगा. उसके बाद इस पोजीशन और स्केल को देखना है आपको. समझो ये मैं पोजीशन कर रहा हूँ अभी, ठीक गनशॉट के यहाँ पे लेके आना है आपको. और स्केल कर लेना, स्केल के टाइम एकदम छोटा रखना, एकदम छोटा जैसे कि मैंने स्क्रीन पे दिखाया है. उसके बाद से पोजीशन कर लेना. उसके बाद से पोजीशन और स्केल के डॉट पे क्लिक करना, यहाँ पे एक डॉट दिखने लगेगा आपको. एक फ्रेम आगे जाना और जहाँ भी मूव हुआ है आपका गन वहाँ पे जाओ, इसको लेके पोजीशन करो. उसके बाद स्केल कर लो, स्केल के टाइम थोड़ा बड़ा कर लेना. उसके बाद से एक फ्रेम और आगे जाओगे तो यहाँ पे सिर्फ धुआं दिखेगा, तो उसको भी पोजीशन कर लो. अगर धुआं नहीं दिख रहा तो यहाँ पे मैं पहले कर लेता हूँ 100%, आपको धुआं दिखने लगेगा. ये देखो, तो सिंपली इसको भी पोजीशन और स्केल करना पड़ेगा आपको. एक फ्रेम और आगे जाऊंगा, यहाँ पे धुआं है तो थोड़ा सा आगे यहाँ पे लूंगा मैं, बस तो हो गया.
हमारा फुटेज कुछ ऐसा दिख रहा है अभी फिलहाल के लिए। अब सिंपली मैं इसको ऊपर लूंगा थोड़ा सा, उसके बाद ये देखो मेरा पूरा टाइमलाइन दिख रहा है, फिर यहाँ पे आना है आपको, उसके बाद से इस पर क्लिक करो और एडजस्टमेंट लेयर ले लो, या फिर राइट क्लिक करके भी एडजस्टमेंट लेयर ले सकते हो आप, और उसके बाद से यहाँ पे आके कट कर लो एडजस्टमेंट लेयर को, ठीक यहीं पे कट करना, कंट्रोल प्लस के करना आपको, और पीछे वाला पार्ट डिलीट कर देना। उसके बाद से एडजस्टमेंट लेयर को सेलेक्ट करना है यहाँ पे, फिर उसके बाद से सिंपली कलर्स में जाओ, बेसिक करेक्शन में जाना, एक्सपोजर पे बस क्लिक करना, उसको आगे पीछे मत करना, सिर्फ क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक ऑप्शन ल्यूमेट्री कलर का, तो सिंपली एक फ्रेम पीछे जाऊंगा मैं, यहाँ पे देखो ये स्टार्ट हो रहा है स्पार्क होने का, तो ल्यूमेट्री कलर पे यहाँ पे बेसिक करेक्शन में जाऊंगा मैं, और इसको मैं थोड़ा पहले स्ट्रेच कर लेता हूँ ताकि क्लियर पढ़ पाओ आप कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जाना है हम लोग को एक्सपोजर पे, एक्सपोजर पे पहले यहाँ पे डॉट पे क्लिक कर लेना है, तो यहाँ पे की फ्रेम बनने लगेगा। अब एक फ्रेम आगे लेना जब स्पार्क बड़ा होता है, और ये एक्सपोजर को हाई कर लो, हाई कर लो मतलब 2.5 रखा है मैंने, आप अपने हिसाब से रख लेना, अगर नाइट शूट हो तो थोड़ा कम लग सकता है तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। उसके बाद से वापस एक फ्रेम आगे जाना और इसको वापस जीरो कर लेना, तो आपका फुटेज कुछ ऐसा दिखेगा, ये स्पार्क के टाइम पूरा एक्सपोजर बढ़ गया फिर कम हो गया। अब सिंपली ऊपर आना और यहाँ पे ये सर्कल पे क्लिक करना, तो ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ मास्क बन जाएगा, तो मास्क को एकदम बीच में लेके आओ जहाँ पे गनशॉट है तुम्हारा। उसके बाद से फेदर पे जाना, यहाँ पे मास्क फेदर लिखा होगा, और इसको अपने सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मैंने बहुत ज़्यादा मास्क फेदर किया है क्योंकि मेरा डे लाइट का सीन है, तो आपका नाइट का होगा तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से रखना। अब यह ऐसा कुछ दिख रहा है, देखो जैसे ही गनशॉट चल रहा है तो फिर एक स्पार्क जैसा आ रहा है और फिर वो चला जा रहा है। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इम्पैक्ट डालता है ये। अब इसमें कलर करेक्शन कलर ग्रेडिंग कर लेना, अब मैं यहाँ पे क्विकली कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग कर लेता हूँ, बाकी डिटेल में एपिसोड आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। यहाँ पे मैं क्विकली कर लेता हूँ, सिंपली यहाँ पे क्रिएटिव में आऊँगा और यहाँ पे एक ग्लट देख लूँगा अच्छा सा, समझो ये वाला अच्छा लग रहा है मुझे तो ये ले लेता हूँ, और इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब बेसिक करेक्शन में यहाँ पे देखो कॉन्टेस्ट को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ और शेडो को भी थोड़ा बढ़ा लूँगा मैं, ब्लैक को थोड़ा कम कर लेता हूँ, बस हो गया ये, ठीक है ये चल जाएगा इतने में। अभी इसके बाद से हम लोग को ये एक्सपोर्ट कर देना है, ये सेम सेटिंग आप यूज़ कर सकते हो एक्सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद से सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करो और जो अभी रिसेंट में फाइल एक्सपोर्ट किया उसको यहाँ पे लेके आओ वापस टाइमलाइन पे। अभी यहाँ पे देखो जहाँ पे स्पार्क हो रहा है, ये देखो ये पार्ट है जहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे आना, जैसे ही चालू हो रहा है वो फुटेज सेलेक्टेड रखना, स्केल पे क्लिक करना। अब एक फ्रेम आगे जाओ, जैसे कि बड़ा हो रहा है जब ये, तो स्केल को थोड़ा सा बड़ा कर लो, ज़्यादा बड़ा मत करना, मैंने 105 रखा है यहाँ पे, 107 रखा है। उसके बाद से वापस एक फ्रेम आगे जाऊँगा और इसको वापस 100% कर लूँगा, तो ऐसा कुछ हो जाएगा आपका फुटेज, एक बम्प इफेक्ट टाइप आएगा। अब आते हैं ब्लड स्प्लैश वाले फुटेज पे, तो सिंपली आपको वही चीज़ करना है जो आपने पहले किया है गनशॉट वाले सिनेरियो में, अपने ग्रीन स्क्रीन को यहाँ पे लेके आना है और उसके बाद से ब्लड को सेलेक्ट कर लो, कैसा ब्लड है ये देखो, ये वाला है मेरा ब्लड, ये मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे कट ले लूँगा, कंट्रोल प्लस के करना है आपको, और उसके बाद से आगे जाना है, जैसे ब्लड खत्म होता है वापस कंट्रोल प्लस के करना है और आगे पीछे फुटेज को डिलीट कर देना है। अब ये पार्ट को लेके आओ पीछे और देखो कि कहाँ पे उसने एक्टिंग कर रही है, तो पहले ग्रीन स्क्रीन निकाल लेते हैं ताकि हम लोग को क्लियर दिखे, तो यहाँ पे जाना है आपको इफेक्ट में और अल्ट्रा की को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, फिर यहाँ पे की कर लेना, आपका निकल जाएगा ग्रीन स्क्रीन, अब आपको क्लियर दिखता होगा। अभी इसमें क्या होगा, ग्रीन रहेगा वापस से जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, तो आपको ग्रीन निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं 100% कर देता हूँ ताकि आपको ग्रीन दिखे वो, ये देखो ये ग्रीन दिख रहा है हल्का सा, तो हम लोग को सिंपली ग्रीन को नीचे डाउन करना है ताकि वो रेडिश टाइप हो जाए, मैट क्लीनअप मत करना वरना डिटेलिंग चली जाती है, तो सिंपली ग्रीन को थोड़ा कम कर लेना। उसके बाद से सिंपली एडिटिंग पे आ जाना और इसको मैं फिट कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखो ये जहाँ से एक्टिंग चालू किया है यहाँ पे होना चाहिए हमारा फुटेज, एक्चुअली यहाँ पे नहीं, एक फ्रेम थोड़ा पीछे होना चाहिए, तो आप एडजस्ट कर लेना अपने फ्रेम के हिसाब से। ये देखो यहाँ से एक्टिंग चालू हुई है, यहाँ पे आ गया है मेरा फुटेज, आई मीन ब्लड स्प्लैश, तो सिंपली आपको यहाँ पे जाना है मोशन पे, उसके बाद से पोजिशन और स्केल वही चीज़ करना है जो आपने उधर किया था गनशॉट के टाइम किया था, तो सिंपली इसको पोजीशन और स्केल अच्छे से कर लेना। अभी भी मेरा थोड़ा सा ग्रीन दिख रहा है यहाँ पे, तो ग्रीन को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे पहले आते हैं कलर में, मैं इसको 100% कर लेता हूँ, इसको ग्रीन को थोड़ा सा और नीचे कर दूंगा और ब्लू को भी थोड़ा सा कम कर लूँगा,
ये देखो ब्लू को भी थोड़ा सा कम कर लेना और फिर रेड पे आना और रेड को थोड़ा सा हाई कर लेना और ये वाइट को थोड़ा सा कम कर लेना ताकि शेडो टाइप आने लगे और ये तभी करना जब आपको ग्रीन ज़्यादा दिखता हो और बाकी का जो भी ग्रीन दिख रहा है वो हम लोग कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग में देख लेंगे, वो ओवरऑल जब कलर ग्रेड होगा तब परफेक्ट हो जाएगा। तो वापस एडिटिंग में आते हैं यहाँ पे और इसको पोजीशन कर लो सही जगह पे। उसके बाद इसको स्केल कर लेना, जो पहला शॉट होगा वो एकदम स्मॉल होना चाहिए तो स्केल कर लो इसको, मैंने ऐसा कुछ स्केल किया है। उसके बाद ये तीनों डॉट पे क्लिक करना, पोजीशन, स्केल और रोटेशन पे, फिर एक फ्रेम आगे जाना और ये रोटेशन को ऐसा कुछ कर लेना और उसके बाद से पोजीशन कर लो और स्केल कर लो, स्केल थोड़ा बड़ा करना इस बार और सही जगह पे पोजीशन कर लेना। और उसके बाद से यही करना है जो आपने गनशॉट के टाइम किया था, जहाँ जहाँ जा रहा है उसको रोटेट करना है और पोजीशन और स्केल करना है। ये देखो फिट करके मैं फटाफट कर लेता हूँ ये चीज़। अब डिटेल में कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग कर लेना और फुटेज कुछ ऐसा दिखेगा, देखो ये गनशॉट आया ये लग गया। अब इसको सिंपली वापस आपको एक्सपोर्ट करना है और सेम चीज़ करना है जो गनशॉट में आपने किया था और उसके बाद अपने फुटेज को वापस लेके आओ टाइमलाइन पे, यहाँ पे डबल क्लिक करना और जो एक्सपोर्ट हुआ है उसको टाइमलाइन पे लेके आओ। उसके बाद जहाँ पे इसको गोली लगी है वहीं पे जाना है आपको, स्केल पे यहाँ पे क्लिक करना है और इसको स्केल को बढ़ा लेना और एक फ्रेम आगे जाना और उसके बाद वापस स्केल को कम कर लेना, तो ऐसा कुछ दिखेगा आपका फुटेज। सो बस है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ एक और एपिसोड के साथ और अगर वीडियो पसंद आता हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को, शेयर करना है वीडियो को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, घंटे को दबा देना। बाय।